1, 2, 3, come on! सो गाइस, हम आ चुके हैं कॉपी पे। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर होने वाला है वो 9 पार्ट होने वाला है। आज की इस वीडियो की हमारी टॉपिक है वाइब्रेशन डंपर। जी हाँ, वाइब्रेशन डंपर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे इसके बारे में डिटेल्स में, तो बने रहिएगा अंत तक। ध्यान देना, यह वीडियो बन रही यूपी पॉलिटेक्निक 4th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, सब्जेक्ट है TDEP, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर की। ठीक है, तो बिना किसी देरी के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो वाइब्रेशन डंपर फटाफट से समझ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका जो होता है ट्रांसमिशन लाइन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, एक मतलब ये होता है इसको हटाने के लिए, वाइब्रेशन डंपर समझना है। ठीक है, मत सोचना कि इसका योगदान है उसमें। तो देखो क्या होता है, वह युक्ति, ठीक है, वह युक्ति जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में, ठीक है, वह युक्ति जो ओवरहेड होने वाले ट्रांसमिशन लाइन में कंपन के आयाम को कम कर दे या समाप्त कर दे, वाइब्रेशन डंपर कहलाती है। ठीक है, वाइब्रेशन डंपर इंपॉर्टेंट भाई एक चीज है। ठीक है, इसके बारे में समझो। कहने का मतलब यार, देखो ये ट्रांसमिशन लाइन मान लो इस तरह से जा रही है, अब इस पर जब हवा चले या कोई आधी वगैरह आ जाए तो ये जो हमारा क्या होगा, कंडक्टर्स जो लगे होंगे ट्रांसमिशन लाइन, ये देखो इस तरीके झोल मारने लगे, मतलब इस तरह हिलने लगेंगे। अब भाई जब हिलने लगेगा तो शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस हैं, तार टूटने के चांसेस हैं जो आपके ये कंडक्टर्स लगे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो कंपन उत्पन्न होगा इसी को खत्म करने के लिए या कम करने के लिए, समाप्त करने के लिए, ठीक है, कम करने के लिए होने, मतलब इसको हटाने के लिए भाई जिस युक्ति का इस्तेमाल करेंगे वो आपकी वाइब्रेशन डंपर के अंतर्गत आती है। ठीक है, बहुत देखो सिंपल सा परिभाषा था भाई, जो आपके ट्रांसमिशन लाइन है उसका जो कंडक्टर है, अगर आधी तूफान कभी आए वो हिलने लगे भाई, उसी को कम करने के लिए वाइब्रेशन डंपर का यूज करते हैं। ठीक है, वाइब्रेशन डंपर कहलाती है। अब जो गाइस वाइब्रेशन डंपर होता है, यह दो प्रकार की होती है, ध्यान देना, वाइब्रेशन डंपर दो प्रकार की होती है। सबसे पहला कौन सा, स्टोक ब्रिज डैम्पर, या एक हेडिंग इसको ब्लैक से लिख लेना। ठीक है, स्टोक ब्रिज डैम्पर। अब स्टोक ब्रिज डैम्पर क्या होती है, इसमें क्या होता है गाइस, इसमें दो छोटे सिलेंडर, ठीक है, ध्यान देना, इसमें दो छोटे सिलेंडर जिनका भार 1 किलो से लेकर के 8 किलो तक होता है। ठीक है, इसमें दो सिलेंडर जिनका भार 1 किलो से लेकर के 8 किलो तक होता है, इनका जो मतलब लंबाई होती है 1 से 2 फीट के लंबे लोहे की केबिन से जुड़े होते हैं। ध्यान देना, लंबे लोहे की केबिन से क्या करते हैं, जुड़े रहते हैं। एक फिगर देख सकते हैं, ये देखिए एक कंडक्टर जा रहा है और ये आपका भार रहेगा और ये आपकी बलदार केबिन रहेगी। ठीक है, स्टोक ब्रिज डैम्पर का चित्र दिखाएगा और एक क्लैंप के साथ यहाँ से क्या होंगे, इस तरीके से जुड़े होंगे, देख लो बंडल के आकार का, और इस क्या होगा कि इस तरह से पकड़ा रहेगा भाई, तो क्या होगा इसमें जो कंपन है वो कम होगा, ये चीज बताई जा रही है। ठीक है, इसमें एक बलदार केबिल होती है जो क्लैंप की सहायता से, जो हम क्लैंप की सहायता से कंडक्टर से क्या होती है, कनेक्ट होती है, मींस लगी रहती है। इस प्रकार डैम्पर एक बेलनाकार भार के रूप में, इस प्रकार से डैम्पर एक बेलनाकार भार के रूप में कंडक्टर के नीचे लगा रहता है। इस प्रकार से भार के रूप में क्या होगा, कंडक्टर के नीचे लगा रहता है, कंडक्टर में होने, ठीक है, ध्यान देना, कंडक्टर के नीचे लगा रहता है, कंडक्टर में होने पर, कंडक्टर में कंपन जब होगा, वाइब्रेशन जब होगी, वाइब्रेट जब करेगा, मान लो कोई आंधी वगैरह आ गई या हवा तेजी से चल रही है, यह बलदार केबिल ऊर्जा कंपन को, मतलब इस तरह मान लो है अब भाई इस तरह के हिलने लगा तो इसमें टूटने के चांस रहेंगे, तो बलदार केबिल क्या होगी, इसकी जो कंपन की शक्ति है ना वो अपने में ले लेगी, खींच लेगी, उसको समाप्त कर देगी। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे आगे, यहाँ पे गाइस जो आपका ये लोहा इस्तेमाल कर रहे हैं ना भाई, ये महंगा होता है भाई, महंगा होने के कारण हम स्टोक ब्रिज डैम्पर का यूज जो होते हैं वो बहुत कम करते हैं, क्योंकि भाई महंगा पड़ेगा, लोहा है सीधा, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे ये देखते हैं। देखिए दूसरी जो पॉइंट आती है, दो विधियाँ थी, तो दूसरी जो पॉइंट आती है वो आती है वेट्स टाइप पैरेलल वायर डंपर। पैरेलल वायर डंपर का मतलब ये होगा भाई कि उसी के समांतर में 2 वायर्स लगा देंगे और उसको बांधेंगे। एग्जाम्पल मैं बता दूं, पहले एग्जाम्पल आप जो इस समय देख रहे होंगे ना, जो रेल चलती है, ट्रेन चलती है, उसके ऊपर से जो सप्लाई गई होती है 25,000 वोल्ट, उसमें 25 KV की जो पावर होती है उसमें आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा, उसी टाइप्स का, उसमें नहीं उसी टाइप्स का, जैसे देख सकते हो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर का ही 8 से 10 मीटर तक लंबा टुकड़ा होता है। ओवरहेड ट्रांसमिशन
ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर का ही जो ए होता है वो 8 से 10 मीटर का लंबा टुकड़ा होता है जिसे डैम्पिंग रॉड लेते हैं, जो आपको दिख रहा है इंसुलेटर है, डैम्पिंग रॉड लेते हैं, ठीक है, को मेन कंडक्टर के साथ पैरेलल में इंसुलेटर के पास वायर के द्वारा कस देते हैं। एक फिगर देखो समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये आपका मेन कंडक्टर था, ये आपका डैम्पिंग रॉड थी, एक इंसुलेटर का यूज किया गया, ये तो नट बोल्ट लगे हुए हैं, और ये आपका स्ट्रिंग इंसुलेटर है। अभी आपको स्ट्रिंग इंसुलेटर नहीं पता तो अभी आने वाले वीडियोस लेक्चर्स में आप इंसुलेटर के बारे में डिटेल्स में जानेंगे, ठीक है। इस तरह से स्ट्रिंग इंसुलेटर होता है और इसी के पैनल भाई ये लगाया, और इस तरह नट बोल्ट के द्वारा हमने देखो इस तरह बाधा डैम्पिंग रॉड ये लगी हुई है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो वाइब्रेशन वगैरह होती है वो ये चीज भाई इसके पैनल में है, तो ये अगर मूव कराया वाइब्रेट करा तो इसको भी कराएगा, तो ये तो भाई अच्छे से बधा रहेंगे, तो इस तरह धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से आपने बहुत छोटी टॉपिक थी वाइब्रेशन डंपर, सिर्फ 5-6 मिनट में आपने जान लिया, ठीक है। कोई डाउट्स है तो कमेंट भी कर सकते हैं, हम रिप्लाई जरूर करेंगे। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट्स एंड मोर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।